बैक टू आईएएस इंस्टीट्यूट गाइस, वेकेशन का टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ आप थोड़ा थोड़ा करके मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझने का कोशिश करो। एंड दिस आईएएस सर योर होस्ट एंड आई विल बी टेकिंग यू बैक टू द सेकंड सेक्शन यानी सेकंड सेशन ऑफ दिस चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा लीनियर इक्वेशंस क्या है, किस किस टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा एंड पॉसिबल है एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। तो एक और बार अगर हम लोग उसको देखें तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 जहां पे द टू वेरिएबल्स जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज x एंड y और a b और c ये नंबर्स है व्हिच आर रियल नंबर्स। इस तरीके का दो इक्वेशन रहेगा तो दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। और साइमल्टेनियस इक्वेशन इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग समझे कि किस तरह से ये इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए। तो पूरा सिलेबस में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग ऑलरेडी 9th में कर चुके हैं। मैं आपको आई एम टेकिंग यू थ्रू ऑल द मेथड चाहे हुआ या नहीं हुआ। और सब्स्टिट्यूशन मेथड तो एलिमिनेशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, डिटरमिनेंट मेथड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10। ओके और ग्राफिकल मेथड क्लास 10। नाउ इस टाइप इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला जो गया साल का था दैट इज एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये जो इनकम इन द फर्स्ट क्वेश्चन जो 8 मार्क का ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आता है। एक्शन जैसे मैं बोल रहा था तो वी हैव 4 मेन मेथड्स फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब दो इक्वेशन दिया रहेगा इस तरीके का। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखा हो तैयारी में, जैसे x और y का एक इक्वेशन, x और y का दूसरा इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से देयर बी 4 मेथड्स फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का मतलब एलिमिनेट करना किसी को, यानी किसी ने किसी को गायब करना, या तो मैं x को एलिमिनेट करूंगा या तो y को एलिमिनेट करूंगा। तो अगर मैं x को एलिमिनेट करूंगा तो मेरे को y का वैल्यू मिलेगा और y का वैल्यू दोनों में से दो इक्वेशन जो दिया है किसी में भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा। तो x का वैल्यू मिलेगा पहला या y का वैल्यू मिलेगा, सम पे डिपेंड होता है। तो एलिमिनेशन मतलब या तो x को एलिमिनेट करो या तो y को एलिमिनेट करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब दोनों इक्वेशन में से x को y में सब्स्टिट्यूट करो या y को x में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट मेथड ये तुम्हारा स्टैंडर्ड के लिए नया है, हम लोग इसमें क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। ये टू वेरिएबल्स के लिए भी सॉल्व कर सकता है, थ्री वेरिएबल होगा तो भी, बट अभी हम लोग टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसी के बारे में करते हैं। ग्राफिकल मेथड ग्राफ ड्रॉ करके दोनों लाइन, जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में तुम लोगों को बताया था अलग अलग लाइन ड्रॉ करते, दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होगा दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सॉल्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड और उसको मैंने 5-4 मेन पार्ट्स में तोड़ा हुआ है और चारों का एक एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूं तुम लोग फोकस करो एक एक टाइप को समझने के लिए, कौन सा सम किस टाइप का है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है कि टाइप 4 है, मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है और हम लोग एक एक टॉपिक के थ्रू डिटेल में जाएंगे। ओके तो चार टाइप्स मैंने इधर लिखा है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू ओनली एलिमिनेशन मेथड। तो आज का टॉपिक जो है वो एलिमिनेशन मेथड है। तो जैसा मैंने तुम लोग को बताया था कि एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, तुम लोग मेरे साथ समझने का कोशिश करो। दो इक्वेशन दिया रहेगा, या तो x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो। अगर x एलिमिनेट करूंगा तो y का वैल्यू मिलेगा और y का वैल्यू ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आई गेट द वैल्यू ऑफ x। इसी तरह y का भी हो सकता है। तो टू अंडरस्टैंड दैट एलिमिनेशन में फर्स्ट टाइप, क्योंकि फर्स्ट टाइप क्या है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल इज सेम। कोएफिशिएंट का मतलब वेरिएबल्स के आगे जो नंबर होता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वी रिज्यूम इट एज 1, ठीक है, कोएफिशिएंट इज सेम। अगर हम लोग यहाँ पे देखें x का, दोनों x दोनों इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों इक्वेशंस में y का कोएफिशिएंट भी सेम है, पर ये इसको फिर मैं फोकस करके आइडेंटिफाई कैसे करूं वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो
इफ कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल इज सेम एंड साइन इज ऑपोजिट, साइन इज ऑपोजिट का मतलब क्या, देखो यहाँ पे 1y है और यहाँ पे -1y है, तो हम लोग का फोकस y पे रहेगा। तो ये अगर मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है ना, वन के जगह पे समझो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो भी वो यही रूल होता है, क्यों, नंबर सेम है और साइन ऑपोजिट, यहाँ पे मैंने लिखा है साइन ऑपोजिट, सेम क्या है कोएफिशिएंट सेम। तो इस तरह का इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करा जा सकता है, 2x plus 3y = 8 minus 2x plus 5y = 7, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल x होगा, क्यों, क्योंकि नंबर सेम है और साइन ऑपोजिट, नंबर सेम साइन ऑपोजिट, ओके। नाउ इसका ओरिजिनल सम पे फिर से चले जाते हैं ताकि हम लोग उसको सॉल्व करने सीखे। ऐसी टाइप एग्जांपल्स में हम लोगों को क्या ध्यान देना है, नंबर इज सेम ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल यहां पे x है, दोनों का नंबर सेम है पर साइन ऑपोजिट, तो विल बी एडिंग। तो ये मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं आप लोग के साथ, तो हम लोग इसमें लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो वापस लिख रहा हूं x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 2। अगर हम लोग इसको ऐड करते तो प्लस और माइनस कट जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को 2x is equal to 14 plus 2 16। तो अगर हम लोग उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x is equal to 16 upon 2 तो 8, ओके एक सेकेंड। और एक बार हम लोग को एक वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग यहां पे मैं अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि हम लोग को समझ में आए, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 8। मैं x इज इक्वल टू 8 हम लोग पहला या दूसरा कोई भी इक्वेशन में डाल सकता है, जिस इक्वेशन में आपको इजी लगे उसमें डालो, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसमें डालता हूं x plus y is equal to 14, तो x के जगह पर मुझे 8 डालना है, 8 plus y is equal to क्या आएगा 14, y is equal to 14 minus 8, तो 14 minus 8 कितना होता है 6, तो y is equal to 6। तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, पहले हमेशा x का वैल्यू लिखा जाता है बाद में y का वैल्यू, x का वैल्यू क्या आया तुम लोग को 8 और y का वैल्यू क्या है 6। तो जब भी सारे इस इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग चेक कर सकते हैं वही पे कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। अब ये दोनों इक्वेशन जो है उसमें वैल्यूज डाल लो, 8 plus 6 14, 8 minus 6 2, तो ये दोनों वेरिएबल जब मैं इसमें यूज करके दोनों में मेरा आंसर आता है तो आई एम 100% श्योर कि मेरा आंसर राइट है। ये छोटे छोटे बात हम लोग एकदम क्लियरली समझ के करना है, क्योंकि सॉल्विंग के टाइम जो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है या जो स्टार्टिंग में 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है उसमें टिपिकली लोग x plus y का वैल्यू पूछते या x minus y का वैल्यू पूछते। जब हम लोग उस टॉपिक में जाएंगे तो मैं वापस व्हेन आई एम टेकिंग अ लाइव सेशन और सॉल्विंग सम्स तभी हम लोग उसको समझेंगे। फिलहाल की अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व, मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं कौन सा टाइप है, तो एलिमिनेशन में 4 टाइप था, टाइप 1 क्या है कोएफिशिएंट सेम साइन ऑपोजिट, यानी कि यहाँ पे 1y है और यहाँ पे भी 1y, एक में प्लस 1y है दूसरे में माइनस 1y है, इसलिए हम लोग उसको ऐड करेंगे, ठीक है। आप लोग नोट कर लो फिर हम लोग एलिमिनेशन टाइप 2 में जाते हैं। ओके जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइप बताया, सेकंड टाइप इज सिमिलर टू द फर्स्ट टाइप, इसमें और उसमें फर्क क्या है, यहाँ पे आप लोग देखोगे वेरिएबल सेम साइन ऑपोजिट, यहाँ पे वेरिएबल सेम साइन भी सेम, ओके। इफ द वेरिएबल सेम वेरिएबल का नंबर सेम है यानी कोएफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल इज सेम एंड द साइन इज ऑल्सो सेम, यहाँ पे ध्यान रखो कोएफिशिएंट सेम साइन इज ऑल्सो सेम, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने वेरिएबल y में आप देखता हूँ तो 14 यहाँ पे भी और दोनों का साइन प्लस है, यहाँ पे उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट था, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, 1 प्लस 1 माइनस है, या तो दोनों